गाइस श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का जो लास्ट ओडीआई का मुकाबला था ना 7 जुलाई 2023 में हुआ था, मतलब के उस मैच में वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट बैटिंग में 243 रन का टारगेट दिया 10 विकेट के नुकसान पे, तो वहीं पे श्रीलंका ने 244 रन बनाकर के सिर्फ 2 विकेट पे ही मैच को जीत लिया। और उसमें पथुन निशंका ने शानदार पारी खेला था, मतलब के 104 रन बनाया था। तो आज के मैच में भी वैसा कुछ दिखने वाला है, क्या फिर से श्रीलंका इस मैच को जीतने वाली है, तो फाइनली एक एक करके बताऊंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट को आपने समझ लिया ना तो 50% ग्रैंड लीग की टीम आपकी वहीं पे बन जाएगी, क्योंकि पल्ले केले स्टेडियम का जो पिच बिहेवियर है ओडीआई फॉर्मेट के लिए क्या रह सकता है वो फाइनली एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। बात करें आज के मैच में, श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस, पथुन निशंका, वाइंदु हसरंगा, उसके बाद सी असलंका और ए फर्नांडो, क्या ये सारे जो खिलाड़ी हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, इस मैच में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, या फिर इनमें से कुछ खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में फ्लॉप भी जा सकते हैं, ये आपको फाइनली एक एक करके बताऊंगा। उसके बाद बात करें वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो वेस्ट इंडीज की तरफ से ब्रांडेड किंग, उसके बाद साई होप, आर चेस हालांकि पिछले T20 मैच में आपने देखा होगा कि उस सीरीज में ही आर चेस नहीं चला, लेकिन क्या इस ओडीआई फॉर्मेट के सीरीज में आर चेस अपना अच्छा योगदान देने वाला है या फिर से फ्लॉप जाने वाला है, ये भी आपको बताऊंगा। वहीं पे अल्जारी जोसेफ के बॉल से कितने विकेट्स निकलने वाले हैं, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा T20 सीरीज को श्रीलंका ने दो मैच जीत करके ना सीरीज को जीत लिया। अब ये ओडीआई 3 मैचों का सीरीज है, क्या ये भी सीरीज श्रीलंका जीतने वाली है या फिर वेस्ट इंडीज का दबदबा रह सकता है, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में भी मैंने गिवे रखा हुआ है सुपर कमेंट का, तो गिवे में पार्टिसिपेट जरूर से करना, एक प्यारा सा कॉमेंट करके ना, ताकि मैं आपको गिवे विनर बना सकूं। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं, उससे पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। आज का जो लाइक टारगेट है भाई 1500 लाइक टारगेट, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप भाइयों की जिम्मेदारी है इस लाइक टारगेट को अचीव करवाने में, तो खुद से एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि ये लाइक टारगेट जल्दी से पूरे हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो मैच खेला जाने वाला है 20 अक्टूबर 2:30 PM को ये मैच खेला जाने वाला है। अब पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पल्ले केले के अंदर ये खेला जाएगा मैच। आगे मैं आपको पिच रिपोर्ट का जो डेप्थ एनालिसिस है वो करके देने वाला हूं, जिससे फाइनली आपका 50% टीम यहीं पे बनने वाली है। उसके बाद प्लेयर स्टेट, ट्रम्प प्लेयर, सीबीसी का कॉम्बिनेशन, सीबीसी का कंटेंडर, राइट कंटेंडर कौन हो सकता है ये भी बताऊंगा। मस्ट है पिक, 8 ऐसे खिलाड़ी आपको देने वाला हूं जो आप अपनी सारी टीमों पर लेके जा सकते हो, और वो 8 कौन से प्लेयर हैं फाइनली आपको जानने को आगे मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो पल्ले केले का जो पिच बिहेवियर है ना ओडीआई के लिए, वो बड़ा चौंकाने वाला है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनिशियल ओवर में, फर्स्ट इनिंग में पेसर, मतलब के 10 ओवर से पहले विकेट्स मिले पेसर को तो ठीक है, अदरवाइज जैसे मैच 20वें ओवर तक जाएगा ना, यहाँ पर स्पिनर का बॉल जो है टर्न होने लगेगा और स्पिनर विकेट्स लेने में कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो ग्राउंड है ना भाई, ये ग्राउंड बड़ा है, बाउंड्री इसका बड़ा है, लेकिन आउटफील्ड इतना तेज है ना भाई कि यहां पर अगर बल्लेबाज हल्का भी बॉल को प्लेसमेंट दे ना, हल्का भी प्लेस करे, तो वो बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज आपको इंजॉय करते हुए दिखेंगे, लेकिन फर्स्ट इनिंग में कुछ अलग हो सकता है। फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाज अपने आप को संभल करके खेलता है ना भाई, तो वो अच्छी स्कोरिंग करने में कामयाब हो सकता है। अब देखना बनता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में कौन ऐसे बल्लेबाज हैं जो अच्छा परफॉर्म करके निकल सकता है, सब कुछ आगे बताऊंगा। अब यहां पर एक चीज और आपको समझना है, ये हाई स्कोरिंग मैच का ग्राउंड है, जहां पे आपको अक्सर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला है, वहीं पे कहीं ना कहीं पेसर और स्पिनर दोनों को यहां पर विकेट्स मिलने के चांसेस हैं, लेकिन स्पिनर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है उसको, टर्न ज्यादा मिल सकता है, जैसे कि 10 ओवर के बाद
15 ओवर 20 ओवर में जैसे जाएगा मैच ना, वहां पर स्पिनर को टर्न मिलना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं स्पिनर विकेट लेने में कामयाब हो सकते हैं। अब बात करें पेसर की, तो पेसर को दूसरी इनिंग में इन स्विंग मिलता है, आउट स्विंग मिलता है और कहीं ना कहीं विकेट लेने में पेसर कामयाब रहता है सेकेंड इनिंग में, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं सेकेंड इनिंग में जो है ना चेस करना बड़ा ही आसान है, मतलब के बैटिंग करना बड़ा ही आसान है, वहां पर आसानी से चेस हो सकता है। अब देखना यह है कि भाई इस मैच का जो टॉस है वो कौन सी टीम जीतने वाली है और वो फैसला क्या लेने वाली है, वो आगे आपको एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। अब बात करें दोस्तों टेलीग्राम चैनल की, तो ये तो बहुत जरूरी है भाई। टेलीग्राम चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फैंटेसी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स दिए जाते हैं, तो अगर आप भी ग्रैंड लीग लवर्स हो ना तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहां आप जाकर के ना ज्वाइन कर लो। और ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल है जो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है, आपसे पैसे मांगता है मेरे नाम से। लेकिन अगर ऐसा कोई आपसे पैसा मांगे तो बिल्कुल भी मत देना, ऐसे लोगों को इग्नोर करना, चूंकि मैं बिल्कुल फ्री में काम करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो। और साथ ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है भाई। YouTube चैनल एक ऐसा जरिया है जहां पर मैं डेली मैचों का प्रेडिक्शन देता हूं, जिससे आप अच्छी विनिंग कर पाते हो और अच्छे रैंक को अपनी टीम को पहुंचा पाते हैं अच्छे रैंक पे, ठीक है ना। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो अगला आए ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब यहां पर सबसे पहले हम जान लेते हैं वेन्यू T20 इंटरनेशनल स्टेट्स, ये यहां पर गलत हो गया है, T20 इंटरनेशनल ही ODI इंटरनेशनल, ठीक है। टोटल मैचेस यहां पे 37 खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 16 मैचेस को विन किया और वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 21 मैचेस को विन किए। तो मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी यहां बॉलिंग फर्स्ट करना पसंद करेगी, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट करने वाले को यहां पर ज्यादा एडवांटेज है। स्कोरिंग पैटर्न में नजर डालोगे तो 200 से नीचे 7 बार बना हुआ है, वहीं पे 200 और 249 के बीच में 8 बार बना हुआ है, 250 और 299 के बीच में 11 बार और 300 से ऊपर 11 बार। तो आपने देखा हाई स्कोरिंग मैच भी यहां पे बहुत तगड़ा हो रहा है, एवरेज स्कोर 258 का है, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर यहां पर 381 रन बना था और लोएस्ट स्कोर 70 रन पे ऑल आउट। अब यहां पर एक्सपेक्टेड स्कोर क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं एक्सपेक्टेड स्कोर यहां पर 260 से लेकर के 280 रन तक आपको बनता हुआ दिख सकता है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको कैसे टीम बनानी है ग्रैंड लीग की, वो आपको फाइनली बताऊंगा। अब यहां पर पिछले 3 मैचों का हम लेखा जोखा देखेंगे, ताकि हमें समझ में आएगा कि भाई पिछले 3 मैचों का यहां पर क्या पोजिशन रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस मैच में क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो February 14, 2024 की बात में कर रहा हूं। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ था, अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग करते हुए 266 रन का टारगेट दिया, वहीं पे श्रीलंका ने 267 रन मार के मैच को चेस कर लिया था। अब देखो यहां पर ये जो मैच है ना चेस करते हुए जीता गया, फर्स्ट इनिंग में पेसर को 5 विकेट और सेकेंड इनिंग में 0, ठीक है ना। तो टोटल 5 ही विकेट फर्स्ट इनिंग में यहां पर पेसर को मिले थे, स्पिनर को 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में 3 विकेट, 7 विकेट स्पिनर लेकर गए थे यहां पर। तो आपने क्या देखा कि यहां पर स्पिनर का दबदबा था, ठीक है ना। अब आगे यहां पर देख लेते हैं, February 11, 2024 को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में मैच हुआ था, श्रीलंका ने यहां पे 308 रन का टारगेट दिया, अफगानिस्तान 153 रन पे ही अपना 10 विकेट फेंक दिया। यहां पर डिफेंड करते हुए श्रीलंका ने मैच को विन किया था। अब पेसर को फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट और सेकेंड इनिंग में 5 विकेट, टोटल 9 विकेट यहां पर पेसर को मिल गए थे। वहीं पे स्पिनर की बात करें, 2 विकेट स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में, 4 विकेट, टोटल 6 विकेट स्पिनर को मिले थे। यहां पर 15 विकेट टोटल दोनों इनिंग्स मिलाकर गिरे थे और यहां पर 12 विकेट गिरे थे। अब देखो फर्स्ट इनिंग में यहां पर 9 विकेट गिरे थे और सेकेंड इनिंग में 3 विकेट, यहां पर फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट और सेकेंड इनिंग में 9 विकेट, ठीक है ना। आ जाओ यहां पे February 9, 2024 की हम बात करते हैं, तो देखेंगे आप श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करते हुए 381 रन बनाई, वहीं पे अफगानिस्तान 339 रन तक बहुत तगड़ा पीछा किया भाई, देख सकते हो ना। अब यहां पर फिर से डिफेंड कर लिया श्रीलंका ने, अब देखो यहां पर
फर्स्ट इनिंग में पेसर को 2 विकेट और सेकेंड इनिंग में 6 विकेट, टोटल 8 विकेट पेसर लेकर गए। अब स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट और सेकेंड इनिंग में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर स्पिनर के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। तो मुझे लगता है कि पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है कि भाई स्पिनर को यहाँ टर्न मिल सकता है, तो टर्न मिल सकता है, ठीक है टर्न मिलेगा, लेकिन उतने ज़्यादा विकेट्स नहीं लेकर जाएंगे जितने विकेट्स यहाँ पर पेसर लेकर जा सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में भी आपको 15 से 20 ओवर तक पेसर विकेट्स ले सकते हैं, उसके बाद सेकेंड इनिंग में पेसर का तो धमाल रहने ही वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में आएगा। अब इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में किस पेसर को लेना है, किस स्पिनर को लेना है, ये हम फाइनली आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, जब ये दोनों टीम पिछले 62 मैचों में आमने सामने हुई, तो 62 मैचों में 31 मैचेस को श्रीलंका ने विन किया और 31 मैचेस को वेस्ट इंडीज़ ने विन कर लिया, ठीक है ना, मतलब कि बराबरी का मुकाबला रहा है। अब देखो लास्ट 5 मैचों का परफॉर्म देखोगे श्रीलंका का, तो देखोगे 3 मैच जीत के आ रही है और 1 मैच टाई था और 1 मैच लूज करके आ रही है। अब यहाँ पर देखो वेस्ट इंडीज़ का, तो सिर्फ 1 मैच जीती है, बाकी के 4 मैच गंवा दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रीलंका का ही पलड़ा भारी रह सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब ऑलमोस्ट मस्ट है पिक में हम आपको क्या देने वाले हैं, ये आपका देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट मस्ट है पिक है ना, बहुत ही आपको आपके लिए बेनिफिशियल होता है और बहुत ही आसान कर देता है आपके लिए टीम बनाना, ठीक है ना। देखो श्रीलंका की तरफ से मैंने 4 खिलाड़ी लिए हैं आपके लिए, ठीक है। सी आसलंका को फिक्स कर सकते हो आप, उसके बाद वेंदु हसरंगा को फिक्स कर सकते हो, यहाँ पे दुनित वल्लागे को आप फिक्स कर सकते हो, उसके बाद कुशल मेंडिस को आप फिक्स कर सकते हो। ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं ना जिनको आप फिक्स करके अपनी टीम पे जा सकते हो, चाहे ग्रैंड लीग की टीम हो या फिर स्मॉल लीग की। बाकी कुछ कुशल मेंडिस पे मैं आपको बताऊँगा आगे चल के कि ग्रैंड लीग में कैसे करना है। ब्रांडेड किंग यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से फिक्स कर सकते हो, उसके बाद आर सिफर को फिक्स कर सकते हो, ए फर्नांडो को फिक्स कर सकते हो, अलजारी जोसेफ को फिक्स कर सकते हो, मतलब के यहाँ पर ये जो सीता फर्नांडो है ये श्रीलंका की तरफ से, श्रीलंका की तरफ से टोटल 5 खिलाड़ी मैं आपको दे रहा हूँ, 3 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, 5 खिलाड़ी मैं श्रीलंका की तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर ये प्लेइंग 11 हम देख लेते हैं। ये प्लेइंग 11 श्रीलंका का कुछ ऐसा रह सकता है, पथुन निसंगा के साथ कुशल मेंडिस आपको ओपन करते हुए दिखेंगे वहीं पे, अब इसका फर्नांडो 1 डाउन पे, कविंदु मेंडिस मतलब 4 नंबर पे, उसके बाद समरा विक्रमा, उसके बाद सी असलंका, डब्लू हसरंगा, दुनित वल्लागे, एम टिक्षाना, असिता फर्नांडो, उसके बाद डी मधुशंका, तो ये प्लेइंग 11 रह सकता है। बाकी पहला मैच है तो इसमें एकाध खिलाड़ी हो सकता है कि इधर से उधर हो, तो वो भी बेंच पे बैठे जो खिलाड़ी है ना उसका भी डेटा मैं आपको दे दूंगा, और जैसे कुछ भी अपडेट आएगा ना वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अब देखो यहां पर स्टार्टिंग ओवर कौन करेगा तो वो जानना आपका जरूरी है, तो स्टार्टिंग ओवर यहां पे असिदो फर्नांडो करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग ओवर, ठीक है, वहीं पे डी मधुशंका भी स्टार्टिंग ओवर करता हुआ आपको दिखेगा। अब देखो यहाँ पर जो है डेथ ओवर कौन करेगा ये जानना आपका जरूरी है, तो ए फर्नांडो आपको डेथ ओवर करता हुआ नजर आएगा, ए फर्नांडो यहाँ पर डेथ ओवर करता हुआ नजर आएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूँ डी वल्लागे भी डेथ ओवर करता हुआ नजर आएगा और डी मधुशंका भी, तो ये चीज़ है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर प्लेयर स्टेट्स में हम देखेंगे और एक एक करके डेप्थ एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं कि फाइनली ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए क्या यूनिक टीम आपके लिए हो सकती है, वो मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो देखो पथुन निसंगा की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन है और अभी से 81% लोग लेके जा रहे हैं, हाई सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, स्मॉल लीग से तो बाहर करना ठीक नहीं है, अब ग्रैंड लीग में कैसे करना वो आपको बताता हूँ। देखो 45 रन 0 रन 56 रन 39 रन 54 रन लगातार अच्छा कर रहा भाई, मैं 4 खेला हुआ हेड टू हेड में, मतलब के वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 4 मैच खेला हुआ, 36 के एवरेज से रन बना रहा भाई, वेन्यू पे अभी तक खेला हुआ नहीं है, तो क्या लगता है कि इस मैच में चलेगा भाई, तो बिल्कुल चलेगा, मैं तो फिक्स लेके जाऊंगा, ठीक है ना, फिक्स कर देना भाई कुशल मेंडिस पर, हालांकि फिक्स प्लेयर में मैंने इसको नहीं रखा है लेकिन ये फिक्स कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब कुशल मेंडिस के ऊपर मैंने बताया कि कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो देखो यहाँ पर 87% लोग लेके जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो रिसेंट फॉर्म है ना 59 रन 68 रन 26 रन 19 रन 43 रन, तो ये एवरेज पारी खेल के दे सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आती है ना तो आप कुशल मेंडिस को ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टीमों पे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, कुछ टीमों पे, आधी टीम पे अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो,
अदरवाइज आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। देखो 60 के एवरेज से खेलता है भाई वेस्ट इंडीज के खिलाफ और वेन्यू पे 27 का एवरेज है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल आपके लिए रह सकता है, लेकिन कुछ टीमों पे ड्रॉप करना है क्योंकि ज्यादातर प्रीफर करेंगे लोग अपनी टीम में इसको, ज्यादातर लोग लेके जाएंगे और ग्रैंडली का काम है रिस्क लेना, तो इसलिए बता रहा हूं आपको इसके ऊपर एक आध टीम पे रिस्क लेना है, वो भी फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग आए। अब देखो अब इसका फर्नांडो की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन है और 11% लोग ही लेके जा रहे हैं, बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं। अब रिकॉर्ड देखोगे ना तो चौंकाने वाला रिकॉर्ड है भाई, चौंकाने वाला रिजल्ट आपको दे सकता है। 126 रन, 1 रन, 41 रन, 96 रन, 40 रन, भाई एक ही बार 1 रन है, बाकी गजब का रिकॉर्ड है भाई। 77 के एवरेज से खेलता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ में, 29 का एवरेज है वेन्यू पे। अरे यार इंपॉर्टेंट रहेगा, बीसीबी बना के जा सकते हो इस मैच में, बहुत कम लोग लेके जाएंगे एज ए ट्रम्प प्लेयर, जो है ना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, प्लेयर भी और सीबीसी का कंटेंडर भी, ठीक है ना। कमिंडो मेंडिस की बात करें, 79% लोग लेके जा रहे हैं, चूंकि T20 फॉर्मेट में आपने देखा होगा लास्ट सीरीज में उसमें अच्छा किया था, इसलिए इसको लोग ज़्यादातर अपनी टीम में कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो 23 रन, 40 रन, 0 विकेट, 1 विकेट, इस तरह से है। यहाँ पर बात करें हेड टू हेड में, तो एक मैच खेला हुआ है, 9 रन बना करके 0 पे आउट है, तो मैं तो ग्रैंड लीग से बाहर करूँगा। चाहो तो आप यहाँ चौथे नंबर पर खेलता है, फर्स्ट इनिंग में एक आध टीम पे ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में, अदरवाइज आप चाहो तो स्मॉल लीग में रख सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में फर्स्ट इनिंग में एक आध टीम पे ट्राई करना, सेकेंड इनिंग के लिए ड्रॉप करने का रिस्क आप ले सकते हो। यहाँ पे आज उसी असलंग का लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 89% लोग लेके जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 1 विकेट, 9 रन, 2 विकेट, 59 रन, देखो ये चूंकि अपने लय में आ चुका है, अभी लास्ट जो सीरीज गया T20 का उसमें आपने देखा ये लय में आ चुका था, अब यहाँ भी कुछ ऐसा चौंकाने वाला ये कर सकता है, तो 89% लोग लेके जा रहा है, चाहे स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग की टीम हो, ग्रैंड लीग हो या फिर स्मॉल लीग, दोनों जगह आपको यूज करना है इस बंदे को, और आपको ये सीबीसी का कंटेंडर भी दिख सकता है, लेकिन कैसे लेना है वो आपको बता दूंगा। समरा विक्रमा राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपर सेक्शन में खेलता हुआ दिखेगा, 12% लोग लेके जा रहे हैं। अब फॉर्म देखोगे तो उतना कोई खास नहीं है, 0, 14, 8, 66 जी, लेकिन एज ए ट्रम्प प्लेयर आप यूज कर सकते हो, लेकिन कब यूज कर सकते हो, चूंकि छठे नंबर पर खेलेगा फर्स्ट इनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। कैसे लेके जाना प्लेइंग 11 पे आपको चल के मैं बता सकता हूँ, 17 के एवरेज से हालांकि खेलता है, बहुत कम एवरेज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो आप कुछ टीमों पे ट्राई कर लेना। चलो यहां पर बात करें डब्लू हसरंगा की, देख सकते हो राइट हैंड बैट्समैन लेग स्पिनर बॉलर है, 93% लोग लेके जा रहे हैं, 93% हाई सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, स्मॉल लीग से बिल्कुल नहीं बाहर करना है, 24 रन, 3 विकेट, 2 विकेट, इस तरह से। देखोगे 6 मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला हुआ है, 51 का एवरेज है बैटिंग से, 5 विकेट लेके गया हुआ है, वेन्यू पे भी 1 मैच खेला हुआ है, 16 रन बनाया हुआ है और 1 विकेट भी लिया हुआ है, तो सीबीसी का कंटेंडर भी ये रह सकता है। अब कैप्टन कब बनाना है, वाइस कैप्टन कब बनाना है वो आगे बताऊंगा। डी बल्लागे की बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, 79% लोग लेके जा रहे हैं। अब देखोगे 2 रन, 5 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, देखो भाई ये करता भाई कैप्टनसी पारी भी ये खेल सकता है, अब कैसे इसको लेना है वो भी आपको आगे बता दूंगा। हालांकि हेड टू हेड में रिकॉर्ड नहीं है, उसके बाद वेन्यू पे भी अभी रिकॉर्ड नहीं है ओडीआई फॉर्मेट में। तो यहाँ पे एम टिक्षाना की बात करें, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, 77% लोग लेके जा रहे हैं, अभी से सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है, लगातार विकेट ले रहा और 1 मैच खेला हुआ, 4 विकेट लिया हुआ हेड टू हेड में, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा लेके जाना, चाहे ग्रैंड लीग हो जाए स्मॉल लीग। ए फर्नांडो की बात करें, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, अब बहुत ही खराब प्रदर्शन है तो आप छोड़ के जाना, अब बाकी जितनी टीम आप बनाते हो, ज़्यादा टीम बनाते हो ग्रैंड लीग में, तो आप ट्राई करें ना एक आध टीम पे। अब देखो मधुशंका की बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, 35% लोग ही ले रहे हैं, तो एज ए ट्रम्प प्लेयर आपके लिए काम कर सकता है, लेकिन उतना कोई खास देख रहे हो रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 मैच खेला हुआ है, 1 विकेट लिया हुआ है, लेकिन फिर भी एज ए ट्रम्प प्लेयर आप सेकेंड इनिंग में चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ये बेंच पे बैठे खिलाड़ी हैं, अब बेंच पे बैठे खिलाड़ी में कौन कौन है आप देख लो। देखो यहाँ पे जनीत लियांगे, उसके बाद चमिंडू विक्रमा सिंह, उसके बाद निशान मधुशंका और जेफरी वंडरसी, ये 4 खिलाड़ी हैं ना जो बेंच पे बैठे हुए हैं। अब इसका सारा का लेखा जोखा है, इसमें से कोई भी अपडेट आता है, कोई भी खेलता है, वो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, ये प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज का है। अब देखो वेस्ट इंडीज के प्लेइंग 11 में आप देखोगे
तो यहां पर आपको ये प्लेयर नजर आएगा। ब्रांडन किंग के साथ इवेन लिवेस ये दोनों ओपन करते हुए दिखेंगे। साई होप वन डाउन पे अलिक अथानजे, उसके बाद रोस्टन चेस और रुतरफोर्ड, उसके बाद रोमरियो सिफार्ड, यहां पे जी मोटी, उसके बाद मैथ्यू फोर्ड, अलजारी जोसेफ, समर जोसेफ, ये प्लेइंग 11 रह सकता है। बाकी इसमें जैसा कि बताया फर्स्ट मैच है तो एक आध खिलाड़ी इधर से उधर हो सकता है, तो वो आपको बता दिया जाएगा कि भाई कौन मतलब क्या अपडेट आ रहा है और कौन खेल सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो ओवर बटेंगे, जो कैसे बटेंगे, अलजारी जोसेफ आपको ज्यादा ओवर करते हुए यहां पर दिखेंगे, मतलब कि 8 से 10 ओवर करता हुआ दिखेगा। उसके बाद समर जोसेफ आपको यहां पर 8 से 10 ओवर करता हुआ ये भी आपको दिख सकता है। वहीं पे मैथ्यू फोर्ड आपको 6 से 8 ओवर करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद जी मोटी मतलब 4-5 ओवर ऐसे कर सकता है। आर्स सिफर्ड ये भी आपको 8 से 10 ओवर करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है ना। इस तरह से रोस्टन चेस अगर स्टार्टिंग में अच्छा रहा तो ये बंदा राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, कहीं कहीं बॉल को टर्न कराने में कामयाब हो सकता है, तो उस कंडीशन में ये भी अच्छे ओवर फेंक सकता है। अब देखो स्टार्टिंग ओवर अलजारी जोसेफ और उसके बाद समर जोसेफ ये करता हुआ नजर आएगा, डेथ ओवर अलजारी जोसेफ, उसके बाद रोमरियो सिफार्ड और रोस्टन चेस ये करता हुआ आपको नजर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर प्लेयर स्टेट्स में हम देख लेते हैं भाई, तो ये भी आपका देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से आपका एक ग्रेनली की यूनिक टीम निकल सकती है। तो देखो ब्रेंडन किंग राइट हैंड बैट्समैन 76% लोग लेके जा रहे हैं। अब देखो कि परफॉर्म आप परफॉर्म पर नजर डालोगे तो बहुत ही खराब प्रदर्शन है, बहुत खराब प्रदर्शन है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पर 10 का एवरेज है हेड टू हेड में, मतलब श्रीलंका के अगेंस्ट, तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो ग्रैंड लीग में। बाकी स्मॉल लीग के लिए मस्ट है पिक रहने वाला है, ठीक है ना। ग्रैंड लीग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, अगर रखना भी है भाई, रखना है ना, तो सेकेंड इनिंग में ज्यादा बेटर रहेगा। अब इवेन लेविस की बात करें तो इवेन लेविस के साथ आप जा सकते हो ग्रैंड लीग में, ठीक है ना। ग्रैंड लीग का ये पिक रहने वाला है, एज ए ट्रंप प्लेयर यूज कर सकते हो, स्मॉल लीग से बाहर कर देना। यहां पर 71 के एवरेज से खेलता है श्रीलंका अगेंस्ट, तो स्मॉल लीग में आप ड्रॉप कर देना, ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना, ठीक है ना। 71% लोग लेके जा रहे हैं किसको भाई, साई होप को, राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर सेक्शन में खेलता हुआ दिखेगा। अब परफॉर्म पर नजर डालोगे तो 7 रन 22 रन 56 रन 27 रन, अरे बहुत गजब का है। 57 के एवरेज से खेलता है श्रीलंका के खिलाफ, वैल्यू पे 72 के एवरेज से खेलता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बीसी भी बना सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे अथानजे की बात करें तो देखो रिसेंट फॉर्म देखो, देखो 26 रन 44 रन, देखो एवरेज पारी खेल के दे सकता है ये जो है ना, एवरेज पारी खेल के दे सकता है और चौथे नंबर पर खेलता है, तो ऊपर से जब विकेट्स गिरेंगे तो इसको, वैसे भी ये ओडीआई फॉर्मेट का मैच है, मतलब 50 ओवर का मैच है, तो मौका तो पूरा मिलेगा, ये बंदा कुछ करके दिखा सकता है। 6% लोग ही लेके जा रहे हैं, एज ए ट्रंप प्लेयर आप ग्रेली में जरूर से यूज करना भाई, ठीक है ना। अभी तक वेन्यू पे खेला हुआ नहीं है और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड नहीं है। रोस्टन चेस की बात करें, ये T20 इंटरनेशनल जो मैचेस अभी जो सीरीज गया ना, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, खिलाड़ी अच्छा है लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इस मैच में हो सकता है कि चौंकाने वाला कुछ रिजल्ट दे आपको, क्योंकि यहां पर देख सकते हो 50% लोग ही लेके जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो 4 में 1 विकेट है, 4 मैच में, उसके बाद वेनी पे 1 मैच में 1 विकेट है, तो ये कुछ चौंकाने वाला, ऐसे ट्रंप प्लेयर आप ग्रैंड लीग में रखना, स्मॉल लीग से बाहर कर सकते हो लेकिन ग्रैंड लीग का ये पिक है भाई, ऐसे ट्रंप प्लेयर आप अपनी टीम में रख सकते हो। जरूरत पड़ी ज्यादा टीम बनाते हो तो आप सीबीसी का कंटेंडर भी चूज कर सकते हो, रुटरफोर्ड को आप ड्रॉप कर देना, ठीक है ना, मतलब ही नहीं बनता। अब यहाँ पे देखो आरसी फोर्ड की बात करें तो ये बंदा 80% लोग इसको अपनी टीम में कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि पीछे T20 सीरीज में भी अच्छा किया है, 2-2 विकेट यहाँ पे ले रहा है, देख सकते हो लगातार विकेट ले रहा है, और यहाँ पर हालांकि श्रीलंका के अगेंस्ट 1 भी विकेट नहीं है 3 मैच में, तो ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सेकेंडरी में जब बॉलिंग आए ना इसकी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लेके जा सकते हो, अदरवाइज आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में हटाना नहीं है। अब यहाँ पे जी मोटी की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, 62% लोग लेके जा रहे हैं, आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, फर्स्ट इनिंग में चाहो तो बॉलिंग आए तो ट्राई कर सकते हो श्रीलंका वेस्टइंडीज का। अब अलजारी जोसेफ की बात करें, 42% लोग लेके जा रहे हैं अलजारी जोसेफ को, देख सकते हो लगातार 1-1 विकेट ले रहा है, और देखो यहाँ पे श्रीलंका के अगेंस्ट ना 6 में 14 विकेट है और वहीं पे 1 में 4 विकेट है, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, चाहे वो ग्रैंड लीग हो या फिर स्मॉल लीग, दोनों जगह इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसे आप सीबीसी भी बना सकते हो। आगे मैं प्लेइंग 11 पर चल के सब कुछ आपको बता दूंगा। मैथ्यू फोर्ड की बात करें, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, 2% लोग ही ले रहे हैं, हालांकि बहुत ही खराब प्रदर्शन है, तो ग्रैंड लीग में आप चाहो तो एक आर टीम पर ट्राई कर लेना, अदरवाइज आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। समर जोसेफ
लगातार विकेट ले रहा है, कहीं ना कहीं डीम टीम का हिस्सा बनता हुआ दिखेगा। अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज 9% लोग ही लेके जा रहे हैं, तो आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों जगह आप ट्राई कर लेना, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा ग्रैंड लीग में ट्राई करो, इंपॉर्टेंट रहेगा, एज ए ट्रम्प पेयर यूज़ कर सकते हो, वो भी सेकेंड इनिंग में ज़्यादा बेटर रहेगा जब बॉलिंग आए, ठीक है ना। ये बेंच पर बैठे खिलाड़ी है, आप देख सकते हो किजी काटी, उसके बाद जोवेल एंड्रयू और हाइडन वाल्स और जेडन सील्स, ठीक है ना। ये चार खिलाड़ी बैठे हुए हैं बेंच पे। अब इसमें कोई अपडेट आएगा ना वो आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा और बता दूंगा, टेंशन लेना नहीं है। ये प्लेइंग 11 है, यहाँ पर देखो ये प्लेइंग 11 है। अब ये जो प्लेइंग 11 है, इधर श्रीलंका का और उधर वेस्ट इंडीज का। अब ये जो टीम आप बीच में देख रहे हो ना, ये कौन सी टीम है जिसको अभी से ड्रीम 11 पे लोग भर भर के अपनी टीम में कंसिडर कर रहे हैं, जो 11 प्लेयर हैं यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जितने हैं ना, ये सारे हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी जिनको ड्रीम 11 पे अभी से लोग भर भर के लेके जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कैप्टेंसी सिलेक्शन परसेंटेज ना डब्लू हसरंगा का है, और वाइस कैप्टेंसी सिलेक्शन परसेंटेज सी आसरंगा का है। तो ऐसी टीम बनाओगे तो कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। अगर आपको चाहिए कि भाई हम जो पैसा लगा रहे हैं वो वापस आ जाए, तो ऐसी टीम बनाना, अदरवाइज आपको ऐसी टीम बनाने की ज़रूरत ग्रैंड लीग में बिल्कुल भी नहीं है। ग्रैंड लीग की टीम यूनिक होनी चाहिए, जो कोई नहीं सोचता है वो आपको सोचना है, ठीक है ना। तो चलो आज आपको बताता हूं कैसे लेके जाना है। देखो श्रीलंका की अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो यहां से आपको ना अब 5 खिलाड़ी लेना है, फर्स्ट बैटिंग आती है। और वेस्ट इंडीज की अगर सेकंड बैटिंग आती है तो यहां से 6 खिलाड़ी आप ले सकते हो। दूसरी बात, यहां से अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो भी आप 6 खिलाड़ी लेके जा सकते हो। जैसे कि आप मान लो दो तीन टीम बनाते हो, तो एक में 5 खिलाड़ी रख लेना, एक में 6 खिलाड़ी इधर से रख लेना, और एक में 6 खिलाड़ी इधर से रख लेना, एक में 5 खिलाड़ी इधर से रख लेना। इस तरह से आप यूनिक टीम बना सकते हो। तो अभी के लिए यहां पर मैं 6 खिलाड़ी ले रहा हूं, 6 खिलाड़ी। तो देखो यहां पर पथुन निसंका को मैं ड्रॉप कर रहा हूं और कुशल मेंडिस को ले रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि कुशल मेंडिस का रिकॉर्ड अच्छा है और वैसे भी टच में है। अब पथुन निसंका को थोड़ा सा मैं इग्नोर कर रहा हूं अभी। अब देखो यहां पे अविष्का फर्नांडो इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 खिलाड़ी हो गए। उसके बाद कोमिंडी मेंडिस को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हाई सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद यहां पे पथुन निसंका को मैंने ड्रॉप कर दिया, ये 2 खिलाड़ी मैंने यहां पर ड्रॉप कर दिया। अब आओ यहां पे समरा विक्रमा के साथ आप जा सकते हो, कुछ टीमों पर ट्राई कर सकते हो। सी आसलंका को मैं यहां पर फिर से लूंगा, ये 3रा खिलाड़ी है, तो सी आसलंका को मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद वाइंदु हसरंगा, ये 4था खिलाड़ी, ठीक है ना। दुनित वल्लागे 5वां खिलाड़ी। उसके बाद यहां से आप किसको उठाओगे, तो मुझे लगता है कि आपको असिता फर्नांडो के साथ जाना चाहिए, तो ये 6 खिलाड़ी भी रख सकते हो। अब देखो यहां पे फर्स्ट टीम में आप 7 खिलाड़ी भी लेके जा सकते हो, भाई अगर यूनिक टीम बनानी है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अब चलो इधर से 5 खिलाड़ी अभी के लिए मैं ले रहा हूं, तो वो 5 कौन से लेने हैं, तो यहां पर एवन लिवाइस को मैं लूंगा, ठीक है ना। उसके बाद साई होप को लूंगा दूसरा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा मैं यहाँ पे आर सिफर्ट को लूँगा तीसरा। अब आ जाओ यहाँ पे अलजारी जोसेफ 4था, ठीक है ना। और समर जोसेफ को भी ले सकते हो, या फिर अगर बैटिंग से आपको लेना है तो यहाँ पे रोस्टन चेस को भी ले सकते हो, क्योंकि बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अभी के लिए समर जोसेफ को मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो कैप्टन किसको बनाना है, तो कैप्टन का कंटेंडर यहाँ पे कोमिंडी मेंडिस तो मैंने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर देखो वाइंदु हसरंगा भी आप कैप्टन बना सकते हो। उसके बाद दुनित वल्लागे को आप कैप्टन बना सकते हो। ये 2 खिलाड़ी यहाँ से कैप्टन आपने बना दिया, इसको आप लेके जा सकते हो, चाहे इसको बनाओ दुनित वल्लागे को या वाइंदु हसरंगा को, ठीक है ना। अब यहाँ पे वाइस कैप्टन किसे बनाना है, तो देखो साई होप को भी आप बीसी बना सकते हो, ठीक है ना। साई होप को बनाओ या आर सिफर्ट को, मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अलजारी जोसेफ को बीसी बना सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट इनिंग में। अब चलो मान लो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है वेस्ट इंडीज, तो कितने खिलाड़ी लेके जाओगे, तो यहां से आप जो है ना 5 खिलाड़ी लेके जाओ फिर से, या फिर 4 भी लेके जा सकते हो। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज का उतना बढ़िया परफॉर्म निकल के आएगा नहीं, तो यहां से मान लो आप 5 ले रहे हो, तो यहां से आप 6 ले लो फिर से, ठीक है ना। अब 6 में किसको लोगे, तो आप यहाँ क्या आपके पास ऑप्शन है, पथुन निसंका को भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इस पर मुझे उतना ट्रस्ट नहीं है, तो अभी फिर से मैं कुशल मेंडिस को ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहो ज़्यादा टीम बनाते हो तो कुछ टीमों पे पथुन निसंका को भी ट्राई करना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रहा हूँ समरा विक्रमा को दूसरा, ठीक है ना। तीसरा यहाँ पर मैं ले रहा हूँ अविष्का फर्नांडो को, ठीक है ना, या फिर आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सी आसलंगा को यहाँ लेना है, तीसरा हो गया। वाइंदु हसरंगा 4था हो गया। दुनित वल्लागे को तो लेना ही है, तो 5वां हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप ले सकते हो ए फर्नांडो को ड्रॉप करके महेश टिक्षाना को, ठीक है ना। तो ये 6ठा हो गया। आज यहाँ पे 5 खिलाड़ी किसको लेना है,
तो इधर से आप क्या कर सकते हो, इवेन लिविस को ड्रॉप करके ब्रांडन किंग को ले सकते हो पहला, साई होप को भी आप ले सकते हो दूसरा, या फिर साई होप की जगह आप एली कैथानजे को भी ले सकते हो। तो दूसरा ये हो गया, उसके बाद यहाँ पर आर सिफर तीसरा, ठीक है ना, चौथा अल्जारी जोसेफ, ठीक है ना, और पांचवा किसको लेना है, रोस्टन चेस को ले सकते हो या फिर आपके पास समर जोसेफ है, इनमें से किसी को ले लो। अभी के लिए मैं रोस्टन चेस को ले रहा हूँ, तो ये पांचवा हो गया, ठीक है ना, ये पांच हो गया। अब देखो कैप्टन तो इधर से ही निकल के आएगा भाई, इधर से ही निकल के आएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि कैप्टन इधर से निकल के आएगा। तो आप कुशल मेंडिस को भी कैप्टन बना सकते हो, ठीक है ना, कुशल मेंडिस को भी बना सकते हो उस कंडीशन में, जैसे कि ये सेकेंड बैटिंग कर रहा है तो आप कुशल मेंडिस को कैप्टन बना दो या फिर वाइस कैप्टन कुशल मेंडिस को बना दो, ठीक है ना। उसके बाद कैप्टन आपको यहाँ से, जैसे आप महेश टिकसाना को भी ट्राई कर सकते हो, वाइंदु हसरंगा हो गया, उसके बाद दुनित बल्लागे हो गया, ये ट्राई कर सकते हो। बाकी आपका वीसी इधर से भी निकल सकता है, तो रोस्टन चेस के ऊपर रिस्क ले सकते हो, कम लोग लेके जाएंगे, अगर वीसी बन गया तो एक तरफा विन करोगे। रोमेरियो सिफोर्ट को भी ट्राई कर सकते हो, अल्जारी जोसेफ को ट्राई कर सकते हो, साई होप भी आपके पास है। तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है जिसमें दो तीन बड़े प्लेयर आपको ड्रॉप करने हैं और सीबीसी का कॉम्बिनेशन आपको लगाना है। अगर आपका वाइस कैप्टन स्ट्रांग है तो विक आपका कैप्टन होना चाहिए, और कैप्टन आपका स्ट्रांग है तो विक आपका वाइस कैप्टन होना चाहिए। तो इस तरह से आपको टीम बनानी है, आई होप के समझ में आ गया होगा। अब ये स्मॉल डी की टीम में अभी के लिए आपको फाइनल टीम दे रहा हूं, बाकी ग्रैंडी की टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। देखो साई होप को मैंने विकेट कीपर सेक्शन में लिया हुआ, कुशल मेंडिस को लिया हुआ है, सी असलंका, ब्रांडर किंग और ए फर्नांडो को लिया हुआ है, यहां पे मैंने पथुनी संगा को ड्रॉप किया हुआ है, डब्लू हसरंगा को लिया हुआ, आर चेस को वाइस कैप्टन, दुनित वल्लागे, उसके बाद आर सिफर्ड, अल्जारी जोसेफ, ए फर्नांडो। यहां पर दुनित वल्लागे को आपने कैप्टन बनाया हुआ, आर चेस की जगह आप जो वाइस कैप्टनसी, जो वाइस कैप्टन है वो आप कुशल मेंडिस या फिर साई होप को भी बना सकते हो, उसके बाद ऑप्शन है अल्जारी जोसेफ को भी आप बना सकते हो। तो अभी आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक करके जरूर से जाना और कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो आपके लिए कैसी रही। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।